अगर आप नागपुर शहर में कहीं भी जाते हो या कहीं पर भी गाड़ी लगाते हो तो ये खबर आपके लिए है। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेशानुसार शहर के ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। नागपुर शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। आए दिन ट्रैफिक जाम का सामना शहर वासियों को करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही रास्तों पर गाड़ी की समस्या ये तो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी कारण ट्रैफिक सुचारू करने में काफी दिक्कत आती है। इन सारी समस्या को देख पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इसी आदेश पर शुक्रवार को ट्रैफिक विभाग की ओर से शहर के बड़ी परिसर के पंचशील चौक से लेकर वैरायटी चौक तक अतिक्रमण व नो पार्किंग कार्रवाई की गयी। इस कार्रवाई में विभाग की ओर से 50 ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई। ये सुबह से हमने कार्रवाई शुरू की है, वैरायटी चौक से लेकर तो पंचशील चौक तक हम लोग ये अतिक्रमण और जो नो पार्किंग के केसेस है वो कर रहे हैं। जो भी रोड पे पार्किंग की हुई है और उसकी वजह से जो रोड को अड़थड़ा हो रहा है वो सब गाड़ियाँ हम लोग अनाउंसमेंट करके हटवा रहे हैं, और जो नहीं हटा रहे हैं उनको हम जब्त कर रहे हैं। अब तक 50 ऑटो हमने डिटेन किए हुए हैं और कार्रवाई चालू है। उनको अभी अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था ढूंढनी होगी, क्योंकि बहुत सालों से भी अगर कर रहे हैं तो पहले अभी ट्रैफिक जो था रोड पे वो कम था, अभी बढ़ गया है और अभी उनके पार्किंग की वजह से ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा अड़थड़ा हो रहा है, तो इसलिए अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था उनको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।